नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरे लाइव में आपके साथ खुशी। आइए देखते हैं कुछ खास खबरें। किसानों के साथ पिछली सरकार की इसी तरह महाराष्ट्र की बीजेपी और शिंदे गट की सरकार भी कर रही है छलावा। यह नजारा अब महाराष्ट्र के धान उत्पादक किसानों के साथ देखने को मिल रहा है। गोंदिया, भंडारा, गढ़चिरौली और चंद्रपुर जिले में किसान इस देश का सबसे बड़ा सहारा है, लेकिन किसान के ही साथ इस देश में कोई भी सरकार हो वह हमेशा छल कपट करती आ रही है, जिसका जीता जागता उदाहरण गोंदिया जिले के मोरगांव अर्जुरी तहसील में देखने को मिला। किसानों के साथ बारा लेने के लिए किसानों को बड़ी जद्दोजहद करते देखने को मिला। किसान अपनी फसलों को समर्थन मूल्य में संस्थानों को बेचने के लिए रात से ही लाइन में लगे रहते देखने को मिला, लेकिन किसानों के साथ बारा लेने के लिए किसानों को बड़ी तकलीफ देती नजर आ रही है संस्थाएं। अब जो किसान है वह किसान की क्या समस्या है ये हम जानने का प्रयास करेंगे। पहले हम जानेंगे आप कहाँ से है भैया? खांबी पिंपड़गांव। ये खांबी पिंपड़गांव के कहाँ, क्या नाम है आपका? रेविचंद कशीराम फुंडे। अच्छा फुंडे जी, मुझे बताइए कि आप कल से यहाँ मौजूद है। ऐसा मुझे यहाँ जब पहुँचा तो कई किसानों ने बताया कि हम लोग रात से ही या रात भर यहाँ ही रहे हैं, क्योंकि आज आप लोगों का सात बारे का नंबर लगने वाला था। तो क्या कैसे क्या था आपका, कितने बजे आए थे आप यहाँ? हमें 3 बजे इतना पहुँच लो अर्जुनी मोरगावला, रात में पहुँचे 3 बजे। अच्छा, उसके बाद अभी क्या यहाँ क्या प्रोसीजर कैसी चल रही है? प्रोसीजर अभी बाबू अभी आए हैं। हाँ, तो हम 7 बारा देंगे, अभी 7 बारा दे रहे हैं। हाँ। तो कल जैसे आप लोग यहाँ पहुँचे थे तो आपको यहाँ किसी ने मदद की कि भाई नंबर वगैरह कुछ दिए गए थे आपको? नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, नंबर वगैरह कुछ नहीं दिया। रहने लिए बोल दिया गया, रहेंगे तो नंबर लगेगा। कोणाला मैसेज गेला आहे इथून आणि कोणाला गेला नाही आहे ते कोणाच्या सांगण्यावरून काही लोक आलेले आहेत, काय आता आलेले आहेत, काही रात्री आले, ते रात्री लिस्ट बनवलं आहे, ते लिस्ट को वॅलिड नाही माना जा रहा। हो, अच्छा, तो अभी जो 7-12 जो आपका लिया जा रहा है वो कैसे लिया जा रहा है, यानी जो जिनके पहचान के उन्हीं का लेते हैं क्या? पहले पहचान का लिस्ट बना के रख ली हुई है। तो फिर रात में आप लोगों को बुलाने का सगड़े लोकांना रात्री माहित नव्हता, सगड्या लोकांना मेसेज गेला नाही, काही लोकांना आता मेसेज गेला आहे, त्याच्यामुळे 8 बजे से इधर है, काही लोक उशीरा आलेले आहेत, आता उशीरा आले, पहचान के उन्हीं के पहले 7-12 लिए जा रहे हैं पहचान के। क्या कहना है आपका? जी आम्ही कालपासून इथे रातपासून आहो, कालच्या 5 वाजेपासून आमचा नंबर आला, आमच्या मोबाईलवरती मेसेज आला, पण आम्हाला त्यांनी कळवलं नाही, आम्ही कालपासून इथे मुक्काम आहोत। आपको सूचना दी नहीं गई थी? नहीं। रश हो गया है और यह रश के वजह से वहाँ का जो एटमॉस्फियर है, यानी जो किसानों को हमेशा जो असुविधाएं होती है, यानी जब भी किसानों का कोई वर्क होता है या किसानों का सरकार के तरफ से कोई काम होता है उसमें हमेशा धांधली निर्माण की जाती है। पार्टनरशिप के लिए पत्नी ने किया हमला, पार्टनरशिप में दुकान दूसरों की बजाय पत्नी को न देने से गुस्से में आई पत्नी ने पति पर हमला कर उसे लहूलुहान कर दिया। अहिंसा नगर में सुबह 8 बजे घटी इस घटना में पत्नी ने पति पर कैंची से वार कर जालना रोड परिसर में अहिंसा नगर की इस घटना के बारे में राजू शशिकांत देव खड़ेकर में जिनसी पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। शिकायत में उन्होंने कहा कि उनकी पत्नी रमा ने कल सुबह लगभग 8 बजे पार्टनरशिप में रेणु का धुमाल को दुकान दिए जाने का विरोध करते हुए हमला किया। पत्नी उन पर प्रॉपर्टी अपने नाम पर करने का दबाव बना रही है, जिनसी पुलिस जमा कर कसारे के आगे जांच कर रही है। छेड़खानी के लिए आए गुंडे पर हमला, युवक गंभीर, हिस्लॉप कॉलेज के पास हुई वारदात, विद्यार्थियों में दहशत। हिस्लॉप कॉलेज के पास नाबालिग छात्रों को चाकू के नोक पर धमका कर लूट रहे गुंडे ने एक युवक पर जानलेवा हमला कर दिया। इस वारदात से विद्यार्थियों में दहशत मची हुई है। पुलिस ने आरोपी एस्टिन विलियम जोसेफ 20 वर्षीय मरियम नगर सीताबर्टी को गिरफ्तार किया है। एस्टिन कुख्यात अपराधी है, उसके खिलाफ हत्या का प्रयास सहित कई मामले दर्ज है। वह कुछ समय से एक नाबालिग को परेशान कर रहा था। वह सोमवार की दोपहर हिस्लॉप कॉलेज के पास आकर नाबालिग छात्रा को चाकू की नोक पर धमकाने लगा। छात्रा ने अपने भाई को फोन कर यहाँ बुलाया और उसके साथ चली गई। इससे एस्टिन तेमिलकर कॉलेज के पास जाने लगा। वह उसी वक्त कॉलेज का छात्र विनय नाविक 18 वर्षीय वाड़ी अपने सहपाठी के साथ बाइक से जा रहा था। अचानक अस्टिन बाइक के सामने आने से विनय उसे टोका। अस्टिन ने विनय को गाली देकर चाटा जड़ दिया। विनय ने अपने भाई 22 वर्षीय पवन को फोन कर घटना बताई। पवन ऑटो चालक है, वह विशेष दल के अस्तित्व पर सवाल उठा रहा है।
छेड़खानी पर अंकुश लगाने के लिए दामिनी तथा अन्य विशेष दल कार्यरत है। इनमें महिला कर्मियों को तैनात किया है। ताज़ा वारदात है कि दल के अस्तित्व पर सवाल खड़े करते हुए कई शिक्षा संस्थानों और सार्वजनिक स्थलों पर रोड रोमियो को देखा जा सकता है। झांसीरानी चौक पर मौजूद था वह अपने मित्रों के साथ हिस्लॉप कॉलेज पहुंच गया। इसी बीच अस्टिन भी वहां आ गया। वह पुनः विनय से विवाद करने लगा। पवन ने उसे झगड़ा नहीं करने की नसीहत दी, जिसे अकबूला कर होकर अस्टिन ने चाकू से हमला कर पंकज को और गंभीर जख्मी कर दिया। इस घटना से कॉलेज विद्यार्थियों में दहशत फैली हुई। सीतावर्ती पुलिस ने हत्या का प्रयास का मामला दर्ज किया है। अस्टिन को गिरफ्तार कर लिया गया। हिस्लॉप कॉलेज के मार्ग पर अस्टिन की तर्ज पर दिखाई अपराधी छेड़खानी करने के लिए आते हैं, इससे पुलिस भी वाकिफ है। इसके बावजूद भी वह सख्त कदम नहीं उठा रहे हैं। अब आप हमारे चैनल को अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज ऐप से डाउनलोड करें। इंस्टालिंग ट्विटर हाई कुक फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewsj.com पर। फिलहाल वक्त चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रही MNS न्यूज पर। नमस्कार।